हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ स्पेट्स में। दोस्तों आज हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ होता क्या है, यूएनओ में कितने कंट्रीज़ हैं और इसके परमानेंट मेंबर कौन कौन हैं, तो आज हम उस सब के बारे में जानेंगे कि यूएनओ के समिट्स कहाँ कहाँ होते हैं, यूएनओ के समिट्स कब कब हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि यूएनओ है क्या। देखिए सर दोस्तों, यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहली बात, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका फुल फॉर्म है, यूएनओ का। दोस्तों यूएनओ का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का फुल फॉर्म है। इसका लोगो इस तरह से दिखाई देता है, कुछ जैसे यूएनओ का ये लोगो है। दोस्तों आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टास्क टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू क्रिएट एंड मेंटेन इंटरनेशनल ऑर्डर। देखिए यूनाइटेड नेशन क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। एक तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, और दूसरी बात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ उसे मेंटेन किया जाएगा। इंटरनेशनल व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा और उसे बनाए रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा और उसे बनाए रखा जाएगा इंटरनेशन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एक अंतर सरकारी संगठन है ये, जिसके द्वारा जितने भी हमारे प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन है इन्हें बढ़ावा दिया जाता है। ए रिप्लेसमेंट फॉर द इनइफेक्टिव लीग ऑफ नेशन। देखिए इनइफेक्टिव का मतलब होता है अप्रभावी लीग ऑफ नेशंस। ए रिप्लेसमेंट यानी कि रिप्लेसमेंट का मतलब है प्रतिस्थापन, यानी कि इसका प्रतिस्थापन किया गया था कब। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश ऑन 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग अनादर सच कॉन्फ्लिक्ट। देखिए इसका जो प्रतिस्थापन किया गया था वो क्यों किया गया था, क्योंकि इस तरह के जो जितने भी संघर्ष हो रहे थे उस टाइम पर, उस तरह के संघर्षों को रोकने के लिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि आगे से कोई भी ऐसा युद्ध, इस टाइप का युद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने किसका एक स्टैब्लिश किया, हमारे यूएन का स्टैब्लिश किया। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, जितने भी हमारे ये संघर्ष हुए थे, प्रिवेंटिंग सच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इन सभी कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि यूएन के जितने भी स्टेट हैं, यूएन के लगभग 51 स्टेट जो थे, 51 स्टेट के जो मेंबर थे उसमें कितने 51 मेंबर्स थे, लेकिन अब जो है वो टोटल मिलाकर 193 मेंबर्स हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएन में है, मैनहट्टन में है और न्यूयॉर्क में है। इस सब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटरी, इसका जो है एक्स्ट्रा टेरिटरी का मतलब है कि अतिरिक्त क्षेत्रीयता के ये अधीन आता है। देखिए दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में, मैनहट्टन में है। दूसरी बात, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 26 जून 1945 को तो स्टैब्लिश हुआ था, बस इसका जो चार्टर आया था वो आया था 24 अक्टूबर से, यानी कि जो प्रभावी हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ था। इसके जो लीडर हैं, लीडर में सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल आते हैं जो है हमारे एंटोनियो गुटेरस, उसके बाद आते हैं हमारे डिप्टी जनरल, डिप्टी जनरल में है हमारे अमीना जे मोहम्मद, ये हमारे डिप्टी जनरल हैं, और ये आएंगे हमारे जनरल असेंबली प्रेसिडेंट जो हमारे मिलोस्लेव लाजकैक हैं, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट है हमारे मैरियाई चाट्रा डोवे, इसके बाद है हमारे सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट ओलफ स्कोक। ये हमारे पांच लीडर्स हैं जो मिलकर किसको चलाते हैं, यूएन को मिलकर चलाते हैं, ये पाँचों के पाँचों यूएन को मिलकर चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक समझ आया आपको कि यूएन है क्या, यूएन में कितने कंट्रीज काम करते हैं, और दूसरी बात है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्टैब्लिश हुआ था, और यूएन है क्या, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है और उसकी व्यवस्था को बनाए रखती है ताकि आगे कोई भी ऐसा युद्ध ना हो या कोई भी ऐसी लड़ाई ना हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस के जो समिट हैं वो कब कब हुए हैं। देखिए 2017 में जो समिट हुआ था, द ओशियन कॉन्फ्रेंस के नाम से ये समिट हुआ था, ये हुआ था 5 जून से लेकर 9 जून के बीच में, और ये यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में ही हुआ था, और इसका ये इस तरह का लोगो बना हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद 2016, उससे पहले 2016 में हुआ था यूनाइटेड नेशन समिट फॉर रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, ये कब हुआ था, ये हुआ था 19 सितंबर को, और ये भी यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में ही हुआ था, ये इसका लोगो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, ये भी हमारा 2016 में हुआ था, और ये 26 से लेकर 27 नवंबर के बीच हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, अशबगत में हुआ था, और ये जो इसका है ये साइड में आपको इसका लोगो दिखाई देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 2015 में जो इसके
सबमिट हुए थे वो 3 सबमिट हुए थे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा सबमिट किस उसमें हुए ईयर में, तो 2015 में फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट 13 से 16 जुलाई के बीच में हुआ था। ये हुआ था अदिस अबाबा यानी कि एथोपिया में, जो अदिस अबाबा है वो एथोपिया में है और ये उसका लोगो है जिस तरह से वो डेवलप किया गया था। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 25 से लेकर 27 सितंबर के बीच यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में हुआ था और ये उसका लोगो है और ये इसी तरह से वहाँ पे भी दिखाया गया है। आगे देख सकते हैं इसमें तीसरा जो समिट हुआ था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हुआ था, जो एक हाई लेवल मीटिंग थी और वो कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। ये उसका लोगो है आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या क्या बोलते हैं, देखो एक तो बोलते हैं परमानेंट फाइव। परमानेंट फाइव का मतलब होता है इसमें जो कंट्रीज काम करते हैं वो फाइव कंट्रीज काम करते हैं और फाइव कंट्रीज को हम P5 भी बोलते हैं और उन्हें एक नाम से और जाना जाता है बिग फाइव। आपको तीनों नाम पता होना चाहिए, परमानेंट फाइव, P5 और बिग फाइव। पांच कंट्री मिलकर काम करते हैं। पहली कंट्री हमारी चाइना, एक कंट्री हमारी अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस। ये हमारी पांच कंट्री हैं और इन पांच कंट्रियों को किस तरह से याद रखा जाए उसके लिए भी एक ट्रिक है। चलिए देखते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, आपको एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा CARERFREE यानी कि केयर फ्री। आपको ये सेंटेंस याद करना पड़ेगा केयर फ्री, तब आप इजीली इन जितने भी कंट्रीज हैं उन पांचों कंट्रियों को आसानी से याद रख सकते हो। देखिए केयर फ्री का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर सी का मतलब क्या हो गया चाइना, ए का मतलब क्या हो गया अमेरिका, आर का मतलब क्या हो गया रशिया, ई का मतलब इंग्लैंड और एफ आर का मतलब क्या हो गया फ्रांस, यानी कि इन पांचों कंट्रियों में हमारे केयर फ्री से हम इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।